ये सेटिंग करो और 0 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पर लाइव जाओ और साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा रहता है हम 0 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पर लाइव जा पाते हैं? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबरों के मन में यही सवाल रहता है कि कैसे हम 0 सब्सक्राइबर पे लाइव जा सकते हैं यूट्यूब पर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर चैनल बनाते हैं और उनका 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे नहीं होते हैं, जिनसे कि उनका यूट्यूब चैनल जो कि लाइव स्ट्रीम ओपन नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सेटिंग जो दोस्तों आप वो सेटिंग करके बिना 1000 सब्सक्राइबर के अगर आप न्यू चैनल बनाते हैं फिर भी आप लाइव जा सकते हैं। तो कैसे उसे जाना है मैं आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ और एकदम रियलिटी ट्रिक बताऊंगा, ये सभी यूट्यूबर को करने आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, न्यू यूट्यूबर होते हैं वो सोचते हैं कि यूट्यूब पर लाइव कैसे जाए और जाते हैं सीधा डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करते हैं और उनको बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो मिलते हैं जिनमें कि बताया जाता है ऐप से कि कैसे आप यूट्यूब पर लाइव जा सकते हैं, लेकिन कोई भी वो वर्किंग नहीं करता है। लेकिन प्रूफ दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आज का वीडियो आप फुल देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको लाइव स्ट्रीम करना है, वो भी 0 सब्सक्राइबर पे, या फिर 10 सब्सक्राइबर हो, 100 सब्सक्राइबर हो। सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता है कि आपको कितना सब्सक्राइबर चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 0 सब्सक्राइबर पे लाइव जा सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको नहीं बोलूंगा कि लाइक कीजिए या फिर कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पूरा देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये सभी को करने आना चाहिए और बहुत ही धांसू ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर कि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे से कैसे सेटिंग करना है और किस प्रकार से आपको 0 सब्सक्राइबर पे लाइव जाना है। क्योंकि दोस्तों मैं चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर, वहीं पे पूरा आपको सेटिंग बताता हूं। एक भी सेटिंग मिस मत कीजिएगा, अगर सेटिंग मिस कर देते हैं तो यूट्यूब पर लाइव नहीं जा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो जैसा कि फ्रेंड आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब को अपने डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका यूट्यूब चैनल है यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपने लोगो पर क्लिक करना है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, अगर वीडियो को ध्यान से आप नहीं देखते हैं तो आपका सेटिंग मिस हो जाएगा, जिससे कि आप यूट्यूब पर लाइव नहीं जा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा किस किस तरह से सेटिंग कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको सेटिंग करना है। यहाँ पर लोगो पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जो कि दोस्तों एकदम रियल टिक बताऊंगा, अगर आपका ये वर्क नहीं करेगा तो वीडियो को यहाँ पर अनलाइक करके चल जाइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो यहाँ पर लाइक करके जाइएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर 2 नंबर में वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। न्यू पेज ओपन होने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे आपका वीडियो यहाँ पर पूरा शो होने लग जाएगा। देख सकते हैं पूरा वीडियो यहाँ पर शो हो रहा है। शो होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा एक लाइव का ऑप्शन। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, लाइव के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग यहीं से शुरू होता है, तो ये वीडियो यहाँ से ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और नीचे में गेस्ट स्टार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, लाइव के ऑप्शन पर टिक मार्क कर देना है और टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको ब्राउजर में लेके चल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, कुछ लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आ रहा है क्रिएट टाइटल, जो भी आपका यूट्यूब का टाइटल डालना है यहाँ से आपको टाइटल लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइटल लिख देता हूँ, आप यहाँ पर जो भी आपको टाइटल लिखना है वो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर टाइटल टाइप कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर दे रहा है यस इट इज मेड फॉर किड्स। अगर आपका चैनल मेड फॉर किड्स पर है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे में आना है और नीचे में जब आते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको करके आना है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक फोटो क्लिक होगा जो कि थंबनेल लगने के लिए होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो क्लिक हो रहा है, क्लिक हो गया और क्लिक होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा।
तो आपको क्या करना है, अगर आपको थंबनेल चेंज करना है तो ऊपर में पेंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट गैलरी से जो भी अपना थंबनेल बनाए हैं वो अपने वीडियो में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गो लाइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके यूट्यूब पर लाइव स्टार्ट हो जाएगा। जो हाँ दोस्तों, एकदम लाइव प्रूफ, 100% लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपका वर्क नहीं किया होगा, ये जो मैं ट्रिक बताया हूँ वर्क नहीं करेगा, तो अनलाइक करके जाइएगा। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप सेटिंग करेंगे तो आप जरूर लाइव जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।